नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास सीएफजी आ चुकी हुई है, सीएफजी आ चुकी हुई है। मेरे पास अब एक सेंटेंस आया, हम उसको किस तरह पार्स कर सकते हैं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में आपने अगर कोर्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आती हैं, टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग, एलआर पार्सिंग, SLR1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से एनएलपी में भी अगर हमें कोई चीज प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करनी है तो वो किस तरीके से होगी, उसके लिए जो हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे दैट इज CY के पार्सिंग एल्गोरिथम। CY के पार्सिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले हमारी जो CFG है वो चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। CNF फॉर्म क्या होती है कि आपके पास तमाम की तमाम प्रोडक्शन या फिर इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में, मींस नॉन टर्मिनल अप्रोचेस टू एग्जैक्टली नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अप्रोचेस टू टर्मिनल। ये वाली CFG CNF फॉर्म हम कहेंगे कि ये CNF फॉर्म में है। अगर आपके पास CFG CNF फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले उस CFG को CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप CY के एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी CFG को जो CNF फॉर्म में नहीं है जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि उसकी ग्रामर या उसके जो सिमेंटिक्स हैं वो चेंज ना हो। सिमेंटिक्स का मतलब है कि अगर पहले CFG किसी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेट्स से लैंग्वेज L1, तो अभी भी उस CFG जो कि CNF फॉर्म में है उसको लैंग्वेज वन को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ज्यादा नहीं और कोई भी एक एक्स्ट्रा कोई एक सेंटेंस कम नहीं। यहाँ पे क्विकली ओवरव्यू किया जा रहा है कि आपके पास क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप CFG को किस तरह CNF फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको आप एक दफा देख लीजिएगा। हमारे पास जो CFG आ सकती हैं वो कुछ इस तरह आ सकती हैं कि आपके पास एक नॉन टर्मिनल है, देन उसके बाद टर्मिनल आ गया और नॉन टर्मिनल आ गया। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास नॉन टर्मिनल हो और अगेन नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो इसको डील करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इस नॉन टर्मिनल के लिए एक और नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा दें, वो बन जाएगी नॉन टर्मिनल अप्रोचेस टू टर्मिनल, और इस नॉन टर्मिनल को यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर आप इस रूल को देखें तो हमने इसको CNF फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है कि ये टू का एक न्यू कैपिटल टू से न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करा दिया और टू को यहाँ पे कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये CNF फॉर्म में आ गया। एक और इशू क्या हो सकता है कि आपके पास टू से ग्रेटर नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए अप्रोचेस टू बी सी डी। जितने मर्जी हो आप इस सेम रूल को अप्लाई कर सकते हैं कि आपने क्या किया, बी सी के लिए एक नया टर्मिनल ले लिया X1 और उसको कह दिया बी सी और देन ए को कह दिया X1D। तो अब आपके पास ये दो नई प्रोडक्शंस आ गई और इस रूल के अगेंस्ट ये दो नए रूल्स आ गए, लेकिन लैंग्वेज चेंज नहीं हुई। इसी तरीके से ये लास्ट सिनेरियो, ये मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद एक्सप्लोर कीजिए। तो अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास जो CFG आ चुकी है वो CNF फॉर्म में, ये मेरे पास ग्रामर थी, इस ग्रामर को यूज करते हुए मेरे पास CFG CNF फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको यूज करते हुए CY के एल्गोरिदम रन कर सकते हैं। CY के एल्गोरिदम रन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। जितने भी वर्ड्स एक सेंटेंस में आ रहे हैं आपको उतने लेंथ का 2D मैट्रिक्स बिल्ड कर देना है। अगर आपके पास यहां पर 5 वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको 5x5 का एक मैट्रिक्स बिल्ड कर देना है। कुछ कहते हैं 5x5 का या कुछ कहते हैं 5x5+1 करके आप एक मैट्रिक्स बिल्ड कर रहे हैं। तो जब आपके पास 2D रह जा आ जाए तो आपने उसको हाफ कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये 2D रे थी, मैंने इसको टिल्ट करके कर दिया और उसको हाफ कर दिया। और आपने जब CY के एल्गोरिथम रन करना है तो ये है बॉटम अप पार्सिंग,
मीन्स हम वर्ड से स्टार्ट होंगे और मूव करते करते रूट तक जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे का पूरा पार्स ट्री जनरेट करेंगे। सो सबसे पहले जो फिल होगा वो ये वाला सेल होगा, देन उसके बाद ये वाला सेल होगा, फिर उसके बाद ये वाला सेल होगा, फिर ये। सो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे क्योंकि बुक द फ्लाइट हम जैसे जैसे रीड करते जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम अपवर्ड भी मूव कर रहे हैं। तो अगर मैंने ये रीड कर लिया, ये रीड कर लिए, तो अब हम इस पोजीशन में आ गए कि इसको भी फिल कर सकें। अगर मैंने ये रीड कर लिया, ये रीड कर लिया, तो इस पोजीशन में किसको भी फिल कर सकें। और इवन किस पोजीशन, अगर ये ऑलरेडी रीड है, ये ऑलरेडी रीड है, इसको भी फिल कर सकें एंड सो। वो फिल कैसे करना है अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। सो आप क्या करते हैं, आप आसानी के लिए हम इस सेंटेंस की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। लेट्स से 0 1, तो 0 1 2 3 4 और 5। जब भी मैं अगर ये कहता हूं कि मेरी जो विंडो साइज है वो है 0 से लेके 1 तक, इट मींस के मैंने बुक को रीड कर लिया। ये डिस्कशन आपने ध्यान से सुननी है। अगर मैं कहता हूं 0 से 1, तो इट मींस मैंने बुक रीड कर ली है। अगर मैं कहता हूं 0 से 2, इट मींस मैंने बुक और द रीड कर लिया है, बुक और द रीड कर लिया। तो अगर मैं 0 कह रहा हूं तो इट मींस बुक रीड कर लिया, सॉरी 0 और 1 कहता हूं। अगर मैं कहता हूं 0 से 2 तक, इट मींस कि मैंने बुक द रीड कर लिया। अगर मैं कहता हूं 0 से 3, तो इट मींस मैंने बुक द फ्लाइट रीड कर लिया। अगर कहा जाता है 0 to 4, तो हमारे पास आ जाएगा बुक द फ्लाइट थ्रू आ जाएगा। और 0 to 5 के केस में, क्योंकि 5 वर्ड्स हैं, तो पूरे का पूरा सेंटेंस रीड कर लिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? राइट, नेक्स्ट। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि 2 to 4, सो 2 to 4, इट मींस के हमने यहाँ पे फ्लाइट थ्रू रीड किया। आपसे अगर कहा जाता है 2 to 5, तो इट मींस के फ्लाइट थ्रू ह्यूस्टन ये रीड कर लिए। तो दरमियान में भी कोई रेंजेस दे जा सकती हैं और किसी भी ऑर्डर में रेंज दी जा सकती है। इसी तरीके से कहा जाता है 4 5, इट मींस हम ह्यूस्टन रीड कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 1 4 1 to 4, इट मींस के मैं दी फ्लाइट थ्रू रीड कर रहा हूँ। अब इन सेल्स को फिल करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये सेल है 0 1, जो इंडिकेट कर रहा है कि मैंने बुक को रीड कर लिया। ये सेल है 0 2, जो इंडिकेट कर रहा है मैंने बुक और द को रीड कर लिए। ये सेल है 0 3, जो इंडिकेट कर रहा है कि मैंने बुक, द और फ्लाइट रीड कर लिए। ये है 0 4, जो इंडिकेट कर रहा है बुक द फ्लाइट थ्रू रीड कर लिए। 0 5, ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने पूरे का पूरा सेंटेंस रीड कर लिया। नेक्स्ट, ये सेल इंडिकेट कर रहा है कि मैंने 1 2 सिर्फ दी रीड किया। ये सेल इंडिकेट कर रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ, ये है 2 3, मैंने सिर्फ फ्लाइट रीड किया। ये सेल किसको रीड कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड, 3 4, ये वेरी गुड, 4 5, गुड। ये सेल किसको इंडिकेट कर रहा है? सो इसके 2 चाइल्ड हैं, तो इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 3, मींस मैंने दी फ्लाइट को रीड कर लिया। ये सेल किसको रीड कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मींस फ्लाइट थ्रू 2 4, ये किसको रीड कर रहा है यहाँ पे? मींस 3 5, थ्रू ह्यूस्टन, गुड। अब ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? ये तो आप देख सकते हैं कि
ये इंडिकेट कर रहा है इतने पोर्शन को, मीन्स सो हमारे पास आ गया, सो मीन्स 2, 5, ये किस चीज को रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है इतने पोर्शन को, मीन्स 1 से लेके 4 तक, सो 1, 4, ये किसको रीड कर रहा है, ये इतने पोर्शन को, मीन्स 1 से 5, दैट इज 1.5, और ये अगेन 0 से लेके 5 तक। सो अभी तक की डिस्कशन से आपको आइडिया हो गया कि हर सेल ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने कितना पोर्शन रीड किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट, अब हम जिस तरह आपको प्रीवियस डायग्राम याद होगी कि उसमें हम इसको कैसे फिल कर रहे थे, हम फिल कर रहे थे लेफ्ट टू राइट और बॉटम अप। तो सबसे पहले 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 इन वैल्यूज को फिल करेंगे, और इनको फिल करने का तरीका क्या है, हम ये देखेंगे कि बुक मेरे पास ये जो सीएफजी आई हुई है और ये जो मेरे पास लेक्सिकॉन है, इनमें प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन की जहां जहां पे राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे उनके रिस्पेक्टिव नॉन टर्मिनल यहाँ पे प्लेस करता जाऊंगा। एक तो दोबारा मैं देखूंगा बुक तमाम की तमाम प्रोडक्शंस में राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो नॉन टर्मिनल है वो मैं इन सेल में प्लेस कर दूंगा। अब जरा देखिए बुक राइट प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री आ गई वर्ब की, और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ नाउन पे, तो इसकी एक और एंट्री आ गई नाउन, फिर और बुक कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, देखिए बुक, सो आपने इसकी भी एंट्री डाल दी, दैट इज नॉमिनल, फिर और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बुक, यस। सो इस तरह आप बुक की तमाम अक्रेंसेस को देखेंगे और देखेंगे वो प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे कहाँ पे आ रहा है, और जिनकी राइट हैंड साइड पे आ रहा है उसके अगेंस्ट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे दी को, दी कहाँ पे आ रहा है, लेट्स से दी आपके पास आ रहा है यहाँ पे, आपने लिख दिया डी ई टी। इसी तरीके से फ्लाइट कहाँ पे आ रहा है, फ्लाइट एक आ रहा है यहाँ पे नाउन, और फ्लाइट कहीं पे आ रहा है, और एक फ्लाइट ये आ रहा है नॉमिनल। इसी तरीके से थ्रू के अगेंस्ट लिखा, थ्रू में आपके पास फ्लाइट आ रहा है यहाँ पर, और आपने इसको फिल कर लिया। इसी तरीके से ह्यूस्टन, ह्यूस्टन को आप सब देख सकते हैं कि ह्यूस्टन में हमारे पास प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रॉपर नाउन। सो यहाँ तक आपने देखा कि हमने जो बॉटम लेवल है उसको फिल कर लिया। अब अगला पॉइंट आते हैं कि लेफ्ट राइट, अब हमने इस सेल को फिल करना है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीएफजी ऑलरेडी सीएनएफ फॉर्म में है, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, तो इट मींस के हमने अब देखने प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे कौन सी दो वैल्यूज मैच कर रही हैं किस प्रोडक्शन की, ताकि उनको यहाँ पे रिप्लेस किया जा सके। अब उसके लिए क्या होगा, अब मुझे अगर इस सेल को फिल करना है, इस सेल को अगर फिल करना है, तो ये बेस कर रहा है इस सेल पे और इस सेल पे, ये लेफ्ट है और ये राइट है, और ये इंडिकेट कर रहा है बुक द 0 to 2, बुक द इंडिकेट कर रहा है बुक द 0 to 2, कि अगर मैंने इतने चंक को रीड करना है तो इट मींस के मेरे पास जो प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे आ रही होंगी वो एस और डी टी, एस और डी टी, फिर
फिर नॉमिनल और डीईटी, देन आपके पास नाउन और डीईटी, देन वर्ब और डीईटी। ये आपने इन दोनों को यूज करके रूल्स जनरेट कर लिए और अब आपने इनको मैच करना है प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे कि ये कहाँ किससे मैच कर रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से किससे मैच कर रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कहीं से मैच कर रहे हैं, गुड, कहीं से मैच नहीं कर रहा। सो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी। अब वीडियो को पॉज करके इसको जरा फिल कीजिए और बताइए कि क्या ये मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या आएगा। वेरी गुड। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये इंडिकेट कर रहा है 1.3 को। 1.3 का मतलब ये है कि मैंने दी फ्लाइट रेट की है, अब मैं उतने पोर्शन को पार्स करना चाह रहा हूँ, उतने पोर्शन को पार्स करना चाह रहा हूँ। सो 1.2 और यहाँ पे मेरे पास है 2.3। इसको फिल करने के लिए जो मेरे पास, सो मेरे पास 1 और 3 के लिए जो रूल आएंगे वो आएंगे डीईटी और नॉमिनल, टीईटी और नाउन। अब मैं डीईटी और नॉमिनल को प्रोडक्शन की राइट हैंड से पे चेक करूंगा कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये दो चीजें आ गई। क्या ये लेक्सिकॉन में हो सकता है? तो लेक्सिकॉन में तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम मैच करते हैं, क्या यहाँ पे डीईटी और नॉमिनल या डीईटी ये नाउन एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये डीईटी और नॉमिनल यहाँ पे मैच कर गया और हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, सॉरी यहाँ पे एंट्री कर दी एन पी। और फिर देखा क्या यहाँ पे डीईटी और नाउन की कोई एंट्री है? नहीं, अगर होती तो वो भी यहाँ पे इंसल्ट कर दे रहता। इसी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फिल कीजिए, इसको फिल कीजिए, इसको फिल करते जाइए। राइट, जब आप फिल कर चुके हो तो आप अपना सॉल्यूशन यहाँ पे मैच कर सकते हो। सो यही वो था कि हमने जो डिस्कस किया था 01, 02, 03, 04, 05। ये अगेन 01, 02 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2, 3 है, ये 3, 4 है, ये 4, 5 है। इसी तरीके से ये सेल हमने डिस्कस किया, ये इंडिकेट कर रहा है दी फ्लाइट वाले पोर्शन को। 1, 4 की जब हम बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 1, 4 का मतलब है दी, सो 1 से लेके 4 तक दी फ्लाइट थ्रू। 0, 5 का मतलब है बुक द फ्लाइट थ्रू ह्यूस्टन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल नाउन आ गया था और यहाँ पे हमने इसको फिल कर लिया अननोन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास पी आर ई पी आर है, सो ये जो हमारे पास इस, ये भी हमने फिल कर लिया था। सो प्रेपोजिशन दैट इज दिस, इसका एब्रीवेशन लिखा होगा यहाँ पे। और इसी तरीके से हमारे पास जो ह्यूस्टन था वो प्रॉपर नाउन भी आ रहा था और यहाँ पे आप देखिए ह्यूस्टन की एक और एंट्री हुई है, दैट इज एन पी। सो यहाँ पे इसी तरीके से एक एन पी भी आ गया और दोनों एंट्री आ गई। अब जब आपने इसको फिल किया पीपी को, तो पीपी को फिल करने के लिए जो अब आपने रूल बनाने हैं, आपने देखना है क्या प्रेपोजिशन और एनपी की कोई चीज इस सेल की एंट्री के लिए, इस सेल की एंट्री के लिए आपने देखना है क्या प्रेपोजिशन और एनपी का कोई रूल है या प्रेपोजिशन और प्रॉपर नाउन का कोई रूल है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, देखें प्रेपोजिशन आपके पास आ रही है, ये एक आ रही है प्रेपोजिशन और एनपी का रूल है दैट इज पीपी। सो आपने इसकी एंट्री कर दी। प्रेपोजिशन और प्रॉपर नाउन का कोई रूल है? नहीं है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे और ये यहाँ पे है। सो इस तरह हमने यहाँ पे पीपी कर दी। इसी तरीके से जब आप इस सेल को फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉमिनल और प्रेपोजिशन या नाउन और प्रेपोजिशन। सो इस सेल के लिए आप देखेंगे नॉमिनल और प्रेपोजिशन और नाउन और प्रेपोजिशन को, और देखेंगे कि क्या वो मैच हुआ है या नहीं हुआ,
कोई रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर मिल जाता है तो फेल करते जाएंगे और इस तरह हम फेल करते गए इसी तरीके से। तो यहाँ तक अच्छा, जब आप यहां तक तो चीजें बड़ी सिंपल थी कि हम इमीडिएट को देख रहे थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से अब आपने सुनी। जब आप लेट से 1-5 पर पहुंचे, 1-5 पे, बल्कि अभी यहां पे इसी की डिस्कशन कर लेते हैं, 2-5 पे पहुंचे, 2-5 means flight through Houston. अब जब आपने 2-5 की एंट्री करनी है, जब आपने 2-5 की एंट्री करनी है, तो आपने इस चीज को देखना है कि आप 2-5 तक कैसे पहुंच सकते हैं। एक वे ये है कि आप, तो ये आपके पास आ रहा था 2, 3, 4 और 5, एक वे क्या है कि आप 2, 3 को रीड करें और देन 3, 5 को रीड करें तो आपके पास 2, 5 आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप 2, 4 को रीड करें और देन 4, 5 को रीड करें और आपके पास 2, 5 आ जाएगा। एग्रीड और डिसएग्रीड, एक दफा दोबारा, बुक फ्लाइट थ्रू ह्यूस्टन अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो आप फ्लाइट और थ्रू ह्यूस्टन इस तरह भी रीड कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फ्लाइट और थ्रू ह्यूस्टन, या फिर आप इस तरह भी रीड कर सकते हैं, दैट इज फ्लाइट थ्रू और देन ह्यूस्टन। सो जब आपने 2-5 की एंट्री करनी है, 2-5 की एंट्री करनी है, 2-5 की एंट्री में अब आपने यहां पे देखने 2-3 और 3-5 मीन्स 2-3 सो नॉमिनल और नाउन और उसके बाद 3-5 प्रेपोजिशन पीपी। फिर आपने देखना है, सो इस तरह आपने कॉम्बिनेशन लाया 2-3 और 3-5 नेक्स्ट आपने जब आप नेक्स्ट क्या है 2-4 मीन्स आपने फ्लाइट थ्रू रीड कर लिए और 4-5 सो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है तो इसके अगेंस्ट कोई कंपैरिजन नहीं आएगा। सो जब आप नॉमिनल पीपी और नॉन पीपी इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि नॉमिनल और आपके पास जो पीपी है वो कहाँ पे आ रहा है, वो ये आ रहा है, तो आपने इसके अगेंस्ट यहाँ पे एंट्री कर दी। सिमिलरली जब आप इसके अगेंस्ट एंट्री कर रहे होंगे एन पी के अगेंस्ट और वहां पे वैल्यू है 1-5 तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने रीड करना है दी फ्लाइट थ्रू ह्यूस्टन। अब आपको आप और ये आपके पास आ गया 1-5 अब आप इसको कैसे कैसे रीड कर सकते हैं, 1 और बाकी 2 मींस आप इसको रीड कर सकते हैं 1-2 और 2-5 तो आप इन दो सेल के लिहाज से रूल्स जनरेट करना शुरू कर देंगे। फिर आप इसको रीड कर सकते हैं 1-3 और 3-5 तो अगेन इन दो सेल्स के लिहाज से आप सारी प्रोडक्शन लिखना शुरू कर देंगे और जो उनसी वैल्यूज मिल रही होंगी। इसी तरीके से आप देखेंगे 1-4
और फोर फाइव सेल को, और उसी लिहाज से उसकी रूल्स लिखना शुरू कर देंगे, जिनके अगेंस्ट मिलेगा वो यहाँ पे। सिमिलरली जब आप 0-5 पे आएंगे तो आप इस 0-5 के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक आ जाएगा 0-1 और 1-5, दूसरा आ जाएगा 0-2 और 2-5, फिर आ जाएगा 0-3 और 3-5, फिर आ जाएगा 0-4 और 4-5। इसके सारे के सारे रूल्स इन सेल्स के आप जनरेट करेंगे पॉसिबल, उनको प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड से मैच करेंगे और उनके करस्पॉन्डिंगली जो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि अगर इस स्टेज तक आपके पास स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल आ गए तो इट मींस वो पूरे का पूरा सेंटेंस सही पार्स हो गया। अगर यहाँ पे एस नहीं आता तो आप, इसका मतलब ये है कि पूरा सेंटेंस सही पार्स नहीं हुआ, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा दोबारा सुनिएगा, आप पूरी स्ट्रिंग को पार्स करते करते अगर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप बस एस में आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास सेंटेंस का स्टार्ट आ चुका और सही, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट था। अगर ये नहीं आता तो इट मीन्स वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। और अब आप इसको यूज करते हुए पूरे का पूरा पार्स ट्री जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब आप ये देखेंगे कि ये जो एस है ये किन दो प्रोडक्शन की वजह से आया। आपने बैक ट्रैक पॉइंटर्स लिए होंगे, आप उनको लेंगे, फिर आप देखेंगे कि अच्छा वहां पे जो वैल्यूज आई किस वजह से आई, वहां पे जो वैल्यूज आई किस वजह से आई, और इस तरह मूव करते करते आप इसको पूरे का पूरा पार्स ट्री जनरेट करवा सकते हैं। तो होपफुली आपको काफी हद तक